आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मिस रियाज़ मदवानी, टीचर गवर्नमेंट यूपीएस रंगवार लालपुरा, जोन सोगाम, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। प्यारे बच्चों, आज मैंने क्लास 8th का साइंस ले लिया है। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल मुझे आज 8th का साइंस पढ़ाना है। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी याद हुआ कि हम चैप्टर नंबर 6 पर पहुँच गए, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, कल से हम इसके क्वेश्चन करते आए हैं। आज हम इसी ये जो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, लेसन नंबर 6 है, इसके पेज, अगर आपके पास बुक होगी या आप ये वीडियो इसका देख पाते हो तो पेज नंबर 77 पर देखिए। वहाँ क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ऑनली वन वर्ड और इन फिगर, इन ऑनली वन वर्ड और इन फिगर। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नेम द फॉलोइंग और फिल द ब्लैंक, ये हमने ऑलरेडी किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3rd पर पहुंच गए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ओनली वन वर्ड और इन फिगर। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास किताब होगी, इस वक्त पेज नंबर 77 पर आप देख पाते हो तो आप बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल कॉल्ड। ये जो एक प्रोसेस है जिससे हम सॉइल लूज करते हैं, टर्न करते हैं, इंग्लिश पड़ी जमीन तैयार करना, वही तुलना पड़ी जमीन, तक प्रोसेस क्या चाहिए। प्यारे बच्चों, मैंने इसका जवाब लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज टिलिंग एंड प्लोइंग, टिलिंग एंड प्लोइंग। मैंने यहाँ पूरा जवाब नहीं लिखा है, मैंने यहाँ से क्या लिखा है, टिलिंग एंड प्लोइंग, क्योंकि क्वेश्चन वाला ऑलरेडी कहता है कि वन वर्ड में जवाब दे दो। इसे कहने वाले क्वेश्चन कहां से है, टिलिंग एंड प्लोइंग। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, विच इम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर टिलिंग सॉइल, कौन सा इम्प्लीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम जमीन को लूज करते हैं या टर्न करते हैं। कैसे बना पलो, कैसे बना पलो, अलवन से जमीन तो ना हुई, यानी पलो, पी एल ओ यू जी एच। दूसरे क्वेश्चन का जवाब आंसर है पलो, यानी द इम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल इज पलो इज। लेकिन मैंने यहाँ से पलो लिखा है क्योंकि हमें एक ही वर्ड में जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, विच इम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग अप द लार्ज लंप्स ऑफ सॉइल, कहें बड़े बड़े लंप्स होते हैं जमीन में, इनके लिए हम कौन सा इम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, इनको छोटे छोटे बनाते हैं, उस चीज का नाम है क्लॉड क्रशर। क्लॉड क्रशर, ये क्रशर होता है जो इसको छोटे छोटे टुकड़े में बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर सोविंग कॉल्ड, जो हम सोविंग करते हैं, सोविंग ब्योच वावा, तुम खतर कुछ इम्प्लीमेंट करें ऐसे अच्छे से अच्छे अच्छा कर ब्योल, अच्छे अच्छे ब्योल वावा, मगर ये चीज बनाता है जो चीज आपको सीड ड्रिल या आपको ब्रॉड कॉस्टर, इसके लिए एक सीड ड्रिल होता है और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ब्रॉड कॉस्टर। ब्रॉडकास्टर क्या है, ब्रॉडकास्टर द मेथड सेक्रेटरी सीड्स इन द फील्ड बाय हैंड। ब्रॉडकास्टर को अच्छे जो ब्योल इस बाबू तथा बना ब्रॉडकास्टर, क्या से बना, ब्याह सीड ड्रिल, ड्रिल के एक ड्रिल होता है जिससे हम ये सीड सो करते हैं। ब्रॉडकास्टर मींस को हाथ से अच्छे ब्योल बाबू। अगर तुम कोई पूछा चुकी किस क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द टॉप पार्ट ऑफ द ड्रिल कॉल्ड, जो ये ड्रिल है जिस ड्रिल सो ये सीड ड्रिल है, इसका टॉप पार्ट उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीड बबल, सीड जिसमें ये सीड होते हैं फिर ये सेकेटेड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एन एग लेइंग बर्ड कॉल्ड, प्यारे बच्चों जो बर्ड एग देती है इसको क्या कहते हैं। मिसाल अच्छा कॉकर, अच्छा ना कॉक, कॉकर अच्छा ना हेन, हेन अगर कॉकर हेन फूट रहे कि जिसको अच्छा ना फूट रहा है वाज अच्छा ना ब्रूडी हेन, यानी ब्रूड हेन, B-R-O-O-D, brood hen, brood hen. Question number 7, name the members of the bee colony, जो आपने पढ़ा है bee, beehive मैंने आपको पढ़ाया है, bee मैंने पढ़ाया है, इसमें water कितना होता है, बाकी sugar कितना होता है, bee colony इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें worker होता है, workers, drones and queens, मैंने आपको already पढ़ाया है workers का काम, drones का काम और queen का, उनकी function क्या, अलग अलग इनकी function भी होते हैं, मैंने पढ़ाया है, इसका answer है workers, ड्रॉन्स एंड क्वीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विच मटीरियल इज यूज्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए हेन हाउस, जब हम हेन हाउस बनाते हैं जहां ये हेन अंडे देती है या उसके लिए जो जगह हम बनाते हैं वो किस मटीरियल से हम बनाते हैं, वो सिट्रा से हम बनाते हैं, गॉस से, सिट्रा, STRA सिट्रा, क्योंकि हमें एक ही वर्ड में जवाब देना है। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, विच इज द कॉमन फूड पोल्ट्री ऑफ चिकन, चिकन जो पोल्ट्री चिकन है, ग्रेन्स, क्या
ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग एग्स, कौन सी बी है जो रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्स, जो हमें एग देती है, इसको कहते हैं क्वीन बी। क्या कहते हैं? क्वीन बी। इस तरह ये 10 सवाल मैंने मुकम्मल किए। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, गिव द साइंटिफिक रीजंस फॉर द फॉलोइंग, गिव द साइंटिफिक रीजंस फॉर द फॉलोइंग। पहला वाला है, फर्स्ट वन इज ग्रेन्स पासेस वेजिटेबल्स फ्रूट्स शुड बी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। पहला वजह, जो हम ग्रेन्स भी खाते हैं, जैसे हम मेज राइस वीट खाते हैं, पल्सेस हम पल्सेस राजमा खाते हैं, मूंग खाते हैं, अरहर कहते हैं, उड़द खाते हैं, जैसे क्या मूंग दाल, राजमा दाल, चना दाल, हम तमाम दाल चीज क्या, वेजिटेबल्स हम सब्जियां खाते हैं, हाश खेवा, बंद गोभी, फूल गोभी, कैप्सिकम, क्या कहते हैं इसको, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, कैरेट, सब चीज खेवा, फ्रूट सब खाते हैं, मैंगो खाते हैं, एप्पल खाते हैं, पोमीग्रेनेट खाते हैं, पाइनएप्पल खाते हैं, कीवी खाते हैं, मुख्तलिफ चीज हम खाते हैं, इनकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है और चाहे क्या जरूरी, ताकि बैलेंस डाइट बने, इस बनो सेहतमंद। इसका जवाब यह है, अवर बॉडी नीड्स एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ये वेजिटेबल्स, चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, पल्सेस हो, ग्रेन्स हो, ये हमें खाने चाहिए, क्योंकि इन चीजों की हमारी बॉडी में एक अहम अहमियत है, खास अहमियत है, इससे हमें प्रॉपर ग्रोथ होते हैं एंड मेंटेनेंस, इससे हम ठीक रहते हैं। दीज एलिमेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड टुगेदर मेक ए जो हमारी बॉडी बॉडी के लिए नहायत जरूरी है, जिससे हम हेल्दी बन जाते हैं, जिससे हम सेहतमंद बन जाते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती है, जिससे हम बिल्कुल महफूज रहते हैं। इस तरह प्यारे बच्चे, मैंने आज क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मुकम्मल किए और पार्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन मैंने मुकम्मल कर दिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़।